अभी मैं फुली रेडी हूँ क्योंकि हमारा आज बाहर जाने का प्लान है। हम लोग जा रहे हैं बेसिकली हाइटी पर। क्या मामा पापा आप लोग घर में रहे, सिर्फ हम लोग को जाने दें। यहाँ से तो बहुत ही बुरा लग रहा है लेकिन वहाँ से पानी बहुत प्यारा लग रहा है। गाइस हाइटी को स्टार्ट हुए थे, एक घंटा हो चुका है, हम लोग लेट है एक घंटा। इंडोर भी अच्छा है लेकिन आउटडोर जो है वो रोशनी ज्यादा अच्छी लग रही है। हम सबकी प्लेट जो है वो एकदम भर चुकी है लेकिन एक इंसान है। प्लेट चेक कर सकते हैं, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। हम लोग आए हैं गोलगप्पे खाने के लिए। Hi everyone, Assalamualaikum. This is Fairbrook Akasha Khan. Welcome back to my YouTube channel. विद अनदर न्यू व्लॉग। अभी आप लोग को नजर आ रहा होगा अभी के काशिफ खान सुबह सुबह तैयार होकर आप लोगों से मिल रही हैं। सीन को जैसा रखा था कि मैं बस फटाफट से उठी हूँ, कपड़े चेंज किए हैं, रेडी हुई हूँ क्योंकि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन वीडियो शूट करनी थी। अब वो कब से ड्राई हो जाती और ब्रांड वाला बहुत पैनिक कर रहा था, तो थैंक गॉड कि आज वीडियो शूट कर ली है। इतना टाइम नहीं मिला कि मैं इंट्रो बना के आप लोग से वीडियो शेयर करूं क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो, तो बिल्कुल डन हो चुका है। अभी मैं फुली रेडी हूं क्योंकि हमारा आज बाहर जाने का प्लान है दोपहर में। रोज हम लोग लेट उठ रहे थे, आज जल्दी उठ गए, तो आप बस जल्दी से निकलते हैं, फिर देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। सारी चीजें आप लोग पता चलेंगी। जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का अपडेट आप लोग को यू चुटके में। So guys, I am fully ready. Mahi Hasan Khan is also going with us. मेरा फोन संभाल। हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं बेसिकली हाइटी पर। ये सारे लोग हैं मेरे साथ, आज मम्मा और बाबा नहीं है। हमने बोला क्या मम्मा पापा आप लोग घर में रहे, सिर्फ हम लोग को जाने दे, तो हम लोग निकल पड़े हैं। एक जो छोटा बच्चा आए ना हमारे साथ, वो इतना ओवर एक्साइटेड है, इतना ज्यादा कि वो पीछे पड़ा हुआ था रात से कि प्लीज आप ही हम मुझे लेके जाना। इस चक्कर में उसने स्कूल की छुट्टी भी कर ली, ऊपर से पांच अलार्म लगा के सोया और अलार्म जो बजा ना उसमें गाना लगा हुआ था तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, और मेरे कान में बजे जा रहा। मैं बोलूं पता नहीं किसका फोन है, देखा तो इन साहब का था। इतने से इनको सब आते हैं कि अलार्म पे गाने कैसे लगते हैं, क्या होता है क्या नहीं, इनको सब कुछ पता। हालांकि मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। सेटिंग की थी। सेटिंग की थी, कैसे की थी? वो दो ऐप। अच्छा खैर अभी हम लोग फोन। यहाँ से तो बहुत ही बुरा लग रहा है लेकिन वहाँ से पानी बहुत प्यारा लग रहा है। कभी कभी हमारे शहर का सी व्यू भी बहुत खूबसूरत लगता है। चलो मही, हमारी हाइटी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अंदर हाइटी को स्टार्ट हुए थे, एक घंटा हो चुका है, हम लोग लेट हैं एक घंटा, बट खैर एक घंटे हम लोग बहुत कुछ खा सकते हैं, इतना ज्यादा खाया नहीं जाता, तो जल्दी से अंदर चलते हैं। इंडोर बैठे हैं या आउटडोर बैठे हैं? इंडोर। इंडोर भी अच्छा है लेकिन आउटडोर जो है वो रोशनी ज्यादा अच्छी लगती है, इंडोर में बोतली नहीं है, बट यहाँ पे गर्मी है अंदर सर्दी, ये फर्क है क्योंकि अंदर एसी चल रहा है। क्या जो भी होगा छोटे बार उनको तो पता जाएगा, हम फिर वही करेंगे इंडोर आउटडोर। इंडोर लेके रश भी बहुत है, देख ले जाके। और इन्होंने जो है वो शेड्स लगाए हुए हैं ताकि बाहर का व्यू नजर न आए। अब देख ले मर्जी, बताए इनको कुछ हो रहा है। नहीं नहीं आप जैसा कहीं मसला नहीं, नहीं तो बाहर बताए अंशा बाहर भैया बाहर चलते, अंदर बहुत रश है। देखो उन्होंने तो सब ब्लाइंड भी नीचे की हुई, फायदा ही नहीं है ऐसे। कर लिए कि हमें कौन सी टेबल पे बैठना है, हमें यहाँ इस ट्री के नीचे बैठना है। और इस रेस्टोरेंट से तो बहुत सारी यादें हैं, पिछली हुसैन ने भी बर्थडे की थी सरप्राइज, वो यहीं पर की थी, तो एकदम बहुत सारी मेमोरीज की फ्लैश बैक्स आ रहे हैं। तो अगर जल्दी से खाना लेते क्योंकि हम लेट हैं, तो बस जल्द से जल्द करते आ जाए ऐशा। क्या बात सुने हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक घंटा, एक घंटे में बस क्या करना है, बहुत सारा खा लेना है, ठीक है? बस जो दिल करे उतना खा लेना, और खाया नहीं जाते बात आपको पहले ही बता दी। आधे घंटे में चलो देखते हैं। ये लीजिए मोहतरमा, दिस इज फॉर यू। इधर आ जाए आयशा बेगम, आयशा बेगम ये लीजिए मोहतरमा।
चलो चलो चलो, लेट्स गो गाइस, हर्री अप। मही, व्हाट यू वांट? ये नहीं खाता पास्ता। व्हाइट सॉस ना बना। ओके, रेड सॉस का। चलो मही, उठाओ प्लेट। थोड़ा थोड़ा हम लोग पास्ता लेंगे। पता नहीं क्यों हमेशा पास्ते पे ही नजर अटकती है मेरी आंखें। मैंने जो है वो रेड और व्हाइट सॉस पास्ता को जो है वो मिक्स कर दिया है गाइस, क्योंकि मुझे मिक्स करके बहुत अच्छा लगता है। मोस्ट एक बाइट खाए। ये रहे, ये कौन सा फ्लेवर है? पैरागॉन नूडल्स। क्या बनाया आपने प्लेट में? राइस, चाउमीन, बर्गर। ओहो, नाइस नाइस। डालो भैया मेरे पिज्जा लाओ। ऐसे मैंने अपनी प्लेट जो है वो प्रॉपर तरीके से बना ली है। अच्छा, अभी तक कोई भी नहीं आया। टेबल मिलाई भी नहीं इन्होंने, टेबल ही मिलाए। यहाँ पर टेबल मिला दे। हवा तो अच्छी चल रही है आज। वाह भाई, ठंडा मौसम। हम सबकी प्लेट जो है वो एकदम भर चुकी है, लेकिन एक इंसान है जिसकी प्लेट में इतना छोटा 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 थोड़ा थोड़ा खाना है, और वो है ये आयशा। इनकी प्लेट चेक कर सकते हैं, इनकी प्लेट चेक कर सकते हैं, और इनकी भी सही है। ये जो सोची है बहुत अच्छी बात है। उन्होंने सोचा कि जो चीज़ अच्छी होगी हम सिर्फ वो ही लेके आएंगे, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा 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 निकाला, वो टेस्ट करके देखेंगे। तो जल्दी से फटाफट से खाते हैं। गाइस, अब जो है वो राउंड टू हमारा स्टार्ट हो चुका है खाने का। देखते हैं अब हम क्या लेने जा रहे हैं वो देखते हैं, क्योंकि मैंने अब तक पूरा मेन्यू ही देखा कि मेन्यू हमारे पास क्या क्या है। रोज दिन ब दिन तब्दीली आती है ना इस वजह से। राउंड टू में मैंने लिया, वैसे तो उन्होंने कहा कि हम आपको वही सर्व कर देते, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे व्लॉग बनाना है यार, तो मैं खुद उठ के जाऊँगी। तो मैंने राउंड टू में सिर्फ और सिर्फ एक रोल, एक सैंडविच लिया। दैट्स ऑल। कैसा जा रहा है गाइस? आर यू गाइस एंजॉयिंग? मौसम कैसा है ना आज? आपके आने की वजह से ऑसम हो गया है मौसम। क्या बात है जी, नहीं ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। वही कुछ चाहिए आपको? बस खा लिया, इसीलिए आए थे बस इतना सा खाने? घर में रहते फिर मीठा खाऊंगा। मीठा कैसे खाओगे? अभी पहले खाना तो खाओ आप। ही हसन खान अपनी फेवरेट डिश लेके आ चुके हैं। टडा, ओह माय गॉड, जेलीज एंड जेलीज। मही लव टू ईट जेलीज गाइस, उसको इतनी पसंद है। मही, लेकिन मैं कपकेक नहीं खाऊंगी, मैं ये खाऊंगी क्रोसान। चले बैठ के पूरा फिनिश होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे उजैम साहब मेरे लिए डोनट्स लेके आए, बिकॉज़ आई एम डाइटिंग ना गाइस। यम्मी, ये पुडिंग भी बहुत मजे की यार, आई लव दिस, वेरी नाइस। मही वहाँ पे पिक्चर्स बनवा नहीं, डबल का स्नैप डन विद द हाइटी। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे पूरे बालों में इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो गई है, तो मुझे अब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। आते हुए तो नहीं लगी थी, जब खाना भी खाया तब भी इतनी नहीं लग रही थी, बट अब एकदम से लगना स्टार्ट हो गई। मैं लेके आई थी अपने साथ हेयर क्लिप्स, तो अब बस जल्दी से बाल बांध लें। वो ये कि मेरी जो नियॉन हील्स है ना, थोड़ी सी खराब हो गई है, हालांकि कोई इतनी मिट्टी वाली जगह पे मैंने पहनी थी। तो खैर अब चलते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं सी व्यू वॉल इमार पे ना, क्योंकि उस साइड जहाँ पे दूसरी वाली वॉल वहाँ पे हम लोग नहीं गए, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज्यादा रश था। यहाँ पे बहुत सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, खिला दे जल्दी। आपको वाइब आ रही है यहाँ? दुबई वाली आ रही है, दुबई वाली वाइब आ रही है। वाह वाह वाह, शुक्र भाई कराची में आपको आ रही है। हाँ, मुझे यकीन नहीं था कराची इतना गंदा क्यों होता, तो ये इतना जगह। भैया साहब, अन्नू साहब, मानी साहब, मही भी फुल एकदम हमारे साथ घूम रहा फिर रहा है घर से दूर। यही होता है भैया, छोटे बहन भाइयों का फायदा ही होता है। बड़े बहन भाई के साथ निकल गए,
कुछ है ही नहीं, हमारे बड़े बहन भाई थे नहीं तो हमें हर जगह इजाजत नहीं मिलती जी। चलो सबा जी और आयशा जी वो रहे और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। गाड़ी उस साइड हमारी खड़ी है, हम लोग बहुत वॉक करके आए थे। क्या बोल रहे हो, जा नहीं सकते हम भाई? वाह कमाल। हम लोग आए हैं गोलगप्पे खाने के लिए, ये लोग जो है वो ऑर्डर दे रहे हैं, डिस्कशन हो रही है कि क्या मंगवाना है क्या नहीं। हम जल्दी से मंगवाते हैं खाने के लिए, हमने दोपहर में खाया था अब हजम हो गया, क्यों ना इनको स्पेशल वाले गोलगप्पे खिलाए जाए, तो बस वो खिलाते हैं फिर देखते हैं इनको पसंदाते हैं क्या नहीं। क्योंकि लाहौर के गोलगप्पे हमने खाए थे, जो हमने गोलगप्पा चैलेंज किया था सैन और मैंने, वो बहुत लजीज है। अब देखना ये है कि इनको ये वाले पसंद आ चुकी है पानी पूरी। ये लीजिए सब अच्छी आराम से अलग अलग है, चटनी मिला के लाए ना, चटनी वगैरह मिला के लाए, वरना अक्सर इनके ऐसा होता है कि मसाला अलग होता है और चटनी अलग होती है। ये खट्टा कौन आ रही है? मैं पहली लड़की हूँ जो फोन से गोलगप्पे खाई। गाइस हमारे मेहमानों को गोलगप्पे जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, गोलगप्पे हो गए हैं फेल फेल फेल। क्यों? जो हमने आपको गोलगप्पे खिलाए थे वो कैसे थे? अब वो वाले तो आ नहीं सकते ना, लेकिन हमें ये वाले भी बहुत अच्छे लगते हैं, बल्कि ये वाले ज्यादा अच्छे बने इस बार लाहौर वाले, क्योंकि वो खा नहीं सकते। अपने भाई से पूछो वो क्या कहना, भैया क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं इस्लामाबाद की हर चीज अच्छी होती है, इस्लामाबाद की बात नहीं हो रही, लाहौर की बात हो रही। लाहौर के गोलगप्पे और सब्जी के बारे में आपको क्या? नहीं सब्जी खाना अच्छा है लेकिन लोग अच्छे नहीं है लाहौर के, गोलगप्पे अच्छे थे। बहुत ही कोई ओवर एक्टिंग कर, वो भी मंगवा लो मसाला प्लेट में अलग मसाला लिया। फाइनली फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और मैं एकदम फ्रेश हो चुकी हूँ, पता नहीं क्यों मुझे इतनी ज्यादा ना सुस्ती हो रही है, दिल चाह रहा है सो जाऊं, बट खैर सो तो मैं जाऊंगी। आप लोग बस अपना फर्ज अदा कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना, ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली वीडियो का अपडेट फटाफट से मिले। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, दुआ में याद रखो। Lots of love. Take care. Allah Hafiz.